जी सर, जी 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 कितना क्रेडिट आपको भी उतना ही जाता है जितना ये फिल्म के लिए उनको? किसी भी कामयाब फिल्म का क्रेडिट जो लोग होते हैं उसमें काम सबको ही जाता है, तो कोई हैरत की बात नहीं। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल या कितनी इम्पोर्टेंट रही है? देखिए, स्पेशल इसलिए है कि ये जब ये फिल्म बनी थी तो अपनी तरह की पहली फिल्म थी। उसके बाद ऐसी फिल्में बनाने की कई लोगों ने कोशिश की है, बनाया है, लेकिन ये अपने अंदर नई थी। और उसके अलावा मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, जेपी दत्ता साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ज़रा गाने के सिलसिले में ख्याल और जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर से जो होता है उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो यहाँ एक मौका होता है और चैलेंज भी होता है कि भाई आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कोशिश हम करते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा सिंपली काम करो वरना कहीं परेशान ना हो जाएं सामने वाले। यहाँ ऐसा होता है कि हमें चैलेंज होता है कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल भी होता है और ख़ुशी की बात भी होता है। देखिए सर, हर गाना चैलेंजिंग है और उसकी वजह यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप मीडियोकर करना चाहते हैं तो कोई भी काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हर काम चैलेंजिंग होता है, हर काम। जी आज 20वीं सालगिरह है बॉर्डर की और मुझे लगता है आने वाले 200 साल तक जो है वो बॉर्डर इतनी ही फ्रेश और इतनी ही ताज़ा रहेगी। और जहाँ तक संगीत और गीत का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये तो इमॉर्टल काम हो गया है, ऐसा काम जो है वो इतिहास में शायद ही सुनने को मिलता है। इंस्पिरेशन की उनके डायलॉग्स लिखना या जो लिरिक्स लिखना? मेरा इस पिक्चर में जो इंस्पिरेशन वो खड़े हुए हैं सामने ये थे और मैं तो लिख रहा था लेकिन उसके पीछे यही थे। कोई शक आते हैं, ये गाना कैसे उपज हुआ? इसकी भी बड़ी कहानी है साहब। हुआ क्या था, किस्मत हमारी अच्छी थी, बहुत ज़माने पहले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के साथ हमारी सीटिंग हुई थी जहाँ अनु मलिक साहब ने बहुत सारी ट्यून सुनाई थी। खैर वो हो गया, हम लोग की किस्मत अच्छी थी तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। फिर वो ज़माना गुजर गया और फिर एक दिन हम बैठे थे कि जब बात हो रही थी कि इस सिचुएशन में ये गाना चाहिए, तो मुझे अचानक याद आया कि इन्होंने वो ट्यून सुनाई थी, हम लोग सनी साउंड में थे मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा आप ये वो जो ट्यून थी वो आप सुनाएं, तो जे पी दत्ता साहब ने सुनी और उन्हें पसंद आई। उसके बाद फिर उस पर हमने गाना लिखा। अच्छा मुझे क्यों वो ट्यून क्यों, इनकी तो बहुत सारी ट्यून बहुत अच्छी होती है, इसलिए याद आई थी कि जो गाने की और सिचुएशन की डिमांड में थी उसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी, तो फिर ट्यून भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ पे जगह हो लिखने की, तो इस ट्यून में थी तो चलती रहती है, छोटे छोटे लाइन हैं लेकिन बहुत हैं, तो उसमें फिर स्ट्रोक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जब लिख लिया तीन अंतरे लंबे लंबे तो मुझे ख्याल हुआ कि वाइंड अप नहीं हुआ गाने का, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री वर्स में लिख लिया, ए गुजरते वाली हवा बता, ये जो है ट्यून में नहीं था। तो हम गए साहब सिटिंग हुई तो हमने कहा ये लिखने के अलावा मैंने तो कुछ और भी लिख लिया और वो ऐसा है कि फ्री वर्स में है तो परसों तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, अभी इनको तो कंपोज करना पड़ेगा और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं। तो हम लोग बात ही कर रहे थे क्या करें क्या ना करें, बाय दैट टाइम अनु मलिक साहब उसे कंपोज कर चुके थे। तो ये है उसकी कहानी। और मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि वो वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, खास करके ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। इट इवोक्ड अ पैशन इन माय हार्ट, आई गॉट इमोशनल और उस वक्त मुझे ये लव्स इतने अच्छे लगे और वहाँ से ट्यून बहती गई और सनली जावेद साहब की तरफ देखा मैंने और जेबी साहब की तरफ देखा, दे रिएक्टेड
एंड सेट गाना तो हमारे हाथ में आ गया एंड आई थिंक इट वाज कंपोज विद इन 7 to 10 मिनट्स दैट आइडिया. और फिर काफी सिंगर्स थे उस गाने में, रूप जी थे, नहीं दो ही थे हम, और सोनू जी थे. ये गाना जो है ये विजुअली अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको विजुअल सामने नजर आते हैं, तो किसी डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है जब लिरिक्स इतने अच्छे हो उसको पिक्चराइज करने के लिए. तो आधा काम से ज़्यादा 75% तो जावेद साहब ने मेरा काम कर दिया था. तो मेरे को शॉट लेने में कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि खुद ही वर्ड्स मुझे विजुअल्स दिखा रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऐसे तालमेल होता है, कभी कभी बैठ जाता है तो अच्छा लगता है. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो तुम क्या, ये आप ही की उपज. ये मेरी उपज नहीं है. सरसार सैलानी साहब एक शायर थे और डायलॉग राइटर भी थे, उन्होंने जीवन प्रकाश जी की कई फिल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, बहुत उम्दा आदमी थे. ये उनका शेर है, चमन में इख्तलात यानी कॉम्बिनेशन, इख्तलात रंगे बू से रंगो बू से बात बनती है, खुशबू और रंग को मिल के बात बनती है. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. वैसे काश मैंने लिखा होता, बहुत अच्छा शेर. जो दूसरा गाना आपने गाया उसके अगर आप वो कह रहे थे जाते हुए तो चलूं, वो मेरी तो वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है. और पहला गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर जेपी साहब ने मुझे कहा कि रूप एक और गाना बना है और इस गाने में देखना कि क्या जो रेंज है गाने की. तो मैं थोड़ा सा नर्वस था शुरू शुरू में, और जब गाने के लिए गए, जब गाना सुना और जितना खूबसूरत मुखड़ा उतना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंतरा अनुज जी ने कंपोज़ किया है. और तो चलूँ जो गाना है वो मैंने उससे गज़ल सिंगर से प्लेबैक सिंगर की जो बॉर्डर थी वो उस गाने से मैंने क्रॉस की बॉर्डर पे बॉर्डर नहीं तो लोग मुझे गज़ल सिंगर ही समझते थे और मुझे काम नहीं मिलता था उससे पहले. लेकिन तो चलूँ और संदेश से आते हैं के बाद इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया एज अ प्लेबैक सिंगर. तो मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का, अनु जी का, जावेद साहब का कि ये खूबसूरत गाना सरस्वती है इनके मेरे मुझे मिला. वही मुखड़ा आज एकदम ही गला जो है, मैं तो 15 दिन बाद आया हूँ बाहर से. जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है उनसे कहूं तो चलूं तो चलूं. अच्छा मुझे कैमरे ऑन नहीं थे. Thank you.